और आज ये बच्चे जो रोड पर बैठे, स्टूडेंट रोड पर बैठे अपनी मांगों को लेके, जो तीन तीन चार चार साल वो तैयारी करते हैं, उसके बाद में वो पेपर किसी न जाने किस तरीके से लीक होते हैं या बाउंड्री की वजह से कैसे, हमारे बीच में एक स्टूडेंट और उनसे हम जानकारी देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्रिस्टोफर फिनिक्स जी। और कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, 2013 से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं एसएससी के खिलाफ। एसएससी का सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, इतना करप्ट हो चुका है कि जो सच्चे बच्चे हैं, जो वाकई में कुछ अपने बलबूते पे कुछ करके अपने माँ बाप को सम्मानित करना चाहते हैं, वो बेचारे आत्महत्या करने को मजबूर है। कई बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं एसएससी के खातिर। ये सरकार जो सिस्टम बनाती है, किसी न किसी प्रकार से कभी प्री का पेपर आउट हो जाता है, कभी मेंस का पेपर आउट हो जाता है, कभी कभी इसका पेपर आउट होता है, कभी बच्चे जाते हैं सर सर्वर स्लो था आपको सुनने वाला नहीं है, कभी सर हमने आंसर करके आए और नो आंसर आ रहा है, क्या करें, किसके पास जाएं हम दिन बच्चे चार चार साल से तैयारी करते हैं और फिर लौट के चले जाते हैं मायूस हो गए। किसके कारण? सरकार के कारण, सिस्टम के कारण। अब आज ये वक्त आ चुका है कि हम सब युवाओं को, हमारे मोदी जी कहते हैं 65% आबादी नौजवान है, तो नौजवान का इस्तेमाल सड़कों पर होगा क्या? क्या सड़कों पर नौजवान आएंगे, ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? या उन्हें रोजगार देंगे? रोजगार देंगे? अभी तो रोजगार के लिए मोदी जी का डायरेक्ट कॉल जाना चाहिए कि मेरे बच्चे क्यों संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे, उनके हाथ में किताब होना चाहिए, अभी वो देश के भविष्य के बारे में वो नई कहानी लिखने वाले होंगे, कलम होना चाहिए। तो आज यहाँ पे बैठ के केला खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहा है, टॉयलेट बंद कर दिया गया साहब यहाँ पे, बच्चियाँ लोग को इतना दिक्कत हो रहा है, हम लोग प्राइवेट टॉयलेट बॉक्स वाला ला ला के यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार साथ में नहीं दे रही है। और सरकार हर जगह जाती है यही कहती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा वर्ग है, हमारा देश सबसे जवान है, जवानी का इस्तेमाल देखिए हो रहा है, जवानी का इस्तेमाल देने का भी फायदा किया, 2 करोड़ रुपया प्रत्येक साल देने का वादा किया। 2 करोड़ नौकरी मत दो, लेकिन जितना नौकरी देते हो पहले सही तरीके से तो दो, वो सिस्टम को तो सही करो, वो सिस्टम सही करोगे 2 करोड़ हम खुद ले लेंगे भाई साहब, लेकिन सिस्टम को सुधारो आप, सही करो उसको आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 करोड़ देने बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन जितना भी दे रहे हो वो सही सिस्टम के तहत दीजिए। हम मेहनत करके कुछ मांग रहे हैं, हम आपसे मुफ्त में नहीं कुछ मांग रहे, रात भर जगते हैं, जब हमें अपने माँ बाप के साथ होना चाहिए था, हम माँ बाप के साथ नहीं होते, उनकी तबीयत खराब रहती है, कितनी भी संकट आती है माँ बाप वो मुझे बताते नहीं, हम भी नहीं हुआ होते, मेरा बेटा पढ़ रहा है कुछ कर रहा है, रात में जग जग के जो वो अच्छे अच्छे साड़ी पे, अच्छे अच्छे ट्राउजर्स पे, शर्ट पे पैसे बर्बाद करते इस्तेमाल करते सॉरी बर्बाद नहीं इस्तेमाल करते वो हम पे बर्बाद करते, आज लगता है पैसा बर्बाद ही हो रहा है, इतनी महंगा किराया दे दे के हम लोग रहते हैं, किसी प्रकार चाहते हैं कि भाई 1 साल में टारगेट दे, कहते माँ 1 साल में कुछ बन के आऊँगा, 4 से लग जाते, बेटा कब होगा, ताना देते हैं अगल बगल वाले लोग, अगल बगल वाले पास पड़ोस वाले सब ताना देते हैं, हमें ताना देते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, मेरी माँ बाप को भी ताना देने लगते हैं भाई साहब, बच्चे इस कमेंट को भी नहीं झेल पाते हैं। मैं बच्चों को मैं कहता हूँ कि तुम तनावों का चिंता मत करो, यहाँ लोग तो ऐसे हैं कि एक महिला को देख ले तो महिला को देख के, अरे भाई महिला के बारे में तो पता होता है कि 9 महीने बाद एक बच्चा आ जाएगा, इसलिए ताना नहीं देते हैं, नहीं तो यहाँ के लोग ऐसे होते हैं जो उस महिला को ही बोलते हैं 1 महीना हो गया है कब आएगा, 2 महीना हो गया है कब आएगा, अरे 4 महीना हो गया पागल तो नहीं बना रही है, 6 महीना हो गया है, ऐसे ताना देते हैं यहाँ के लोग, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार समझे इन बातों को समझे और हम बच्चों को संघर्ष करने का सही तरीके से मौका दो, हम संघर्ष करके कुछ पाना चाहते हैं, ऐसे फ्री में मुफ्त में कोई मांगता नहीं है ना हम मांग रहे हैं, अभी डिमांड हमारी क्या है कि जो स्कैम कर रहे हो, जो करप्शन है उसको सही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा कोई ये भी नहीं करेंगे 2 करोड़ जॉब दो, 25,000 जॉब देते हो, 5,000 जॉब देते हो, सही सिस्टम से दो ताकि सही सोच देशवासियों के अंदर फैले, सब अनुशासित हो, तुम्हारा एग्जाम का कोई भी पेपर सही तरीके से नहीं जाता है, कोई भी, मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं सर हमने इस लैब में सेटिंग कर ली है, उस मेंस में भी देखते हैं कोई ना कोई लैब में सेटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी, बहुत बच्चों से मैं मिलता हूँ और इस तरह का सिस्टम बना हुआ है, ये कब खत्म होगा? मोदी जी को मैं इस न्यूज़ चैनल के जरिए मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, मोदी जी आपने विदेश में बहुत अच्छा काम किया, कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, एक छोटा सा काम ये भी कर दो कि हम विद्यार्थियों का कुछ ऐसा सिस्टम बना दो कि एग्ज़ाम सही समय पर कंडक्ट हो जाए, सही तरीके से कंडक्ट हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे माँ बाप रोजी रोटी जैसे भी पकौड़ा बेच के ये बेच के पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़े उस चीज़ के लिए जहाँ पे सफलता मिलने का चांस हो,
यहाँ तो ऐसे सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं हम, जहाँ कोई लग नहीं रहा है कि कुछ होगा या नहीं होगा। हम यही हाथ जोड़ के सारे मीडिया चैनल वालों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग को आप जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल अतुलनीय है, और चाहते हैं और भी आगे बढ़ के सारे चैनल वाले इकट्ठा हो जाएं और हम सारे बालकों को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, देश बदल रहा है, हम भी बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।